हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मैंने हटके चूज किया है। थोड़ा सा अब हम डिटेल में जाएंगे एलटी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बफर स्टेटस रिपोर्ट। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो बफर स्टेटस रिपोर्ट होती है वो मैक लेयर पे बेसिकली आपको मिलती है। तो ये मैक की एंटिटी होती है बीएसआर, बफर स्टेटस रिपोर्ट, इसको हम बीएसआर भी बोलते हैं। अब देखिए, बीएसआर इज ए काइंड ऑफ मैक कंट्रोल एलिमेंट फ्रॉम यूई टू नेटवर्क। ये यूई नेटवर्क को बताता है, बीएसआर जो होती है वो यूई भेजता है नेटवर्क को। अब इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन जाती है, हाउ मच डेटा इज इन यूई बफर टू बी सेंट आउट। अब जो यूई का बफर होता है, जैसे जो भी हमें डेटा भेजना होता है हम उसको बफर में रखते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो बीएसआर यही बताती है कि अभी हमारे पास कितना डेटा है सेंड करने के लिए नेटवर्क को, तो ये बीएसआर बताती है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मैक लेयर मैसेज फ्रॉम यूई टू नेटवर्क सेइंग आई हैव समथिंग टू ट्रांसमिट, वुड यू गिव मी ए ग्रांट टू सेंड दिस डेटा। अब देखिए, यूई ने तो बोल दिया कि उसके पास डेटा है बफर में जो कि उसको सेंड करना है। अब नेटवर्क का क्या रोल है इसके अंदर, नेटवर्क अपलिंक ग्रांट देता है यूई को। अपलिंक ग्रांट में क्या कहता है, वो कुछ रिसोर्सेज उसको एलोकेट करता है जिससे वो कहता है आप मेरे को ये डेटा भेज दो। तो ग्रांट जो होता है वो नेटवर्क देता है और जो डेटा है वो यूई भेज देता है। तो बिना ग्रांट के, बिना अपलिंक ग्रांट के आप यूई जो है वो डेटा नहीं सेंड कर सकता। देन द नेटवर्क वुड एलोकेट द बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ अपलिंक ग्रांट रिसोर्सेज फॉर PUSCH। अब देखिए, अपलिंक जो BSR है अपलिंक पे जाएगी, तो जो हमारा फिजिकल अपलिंक शेयर चैनल होता है उस पे जो अपलिंक ग्रांट है वो जो है वो हमारा नेटवर्क हमको देगा। अगर उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ये नेटवर्क उसको प्रोवाइड कर देगा। अब देखिए, जो ये बफर स्टेटस रिपोर्ट है ये अपलिंक रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम आती है। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप अपने अपलिंक रिसोर्सेज को, एलोकेट अपलिंक रिसोर्सेज ओनली व्हेन यूई हैज समथिंग टू ट्रांसमिट। जब भी यूई के पास कुछ डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए तभी उसको ग्रांट दी जाए, हर समय उसको ग्रांट नहीं दी जाए। अवॉइड एलोकेटिंग टू मच अपलिंक रिसोर्सेज मोर देन व्हाट यूई नीड्स। अब मान लो मेरे को थोड़ा सा डेटा भेजना है लेकिन मैंने ग्रांट ज्यादा की नेटवर्क ने मुझे एलोकेट कर रखी है, तो उसमें जो हमारे रिसोर्सेज है उसका वेस्ट होएगा, लीड्स टू वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये दो मैकेनिज्म के थ्रू आप अपलिंक रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बीएसआर। अब देखिए, बीएसआर दो तरह की होती है, शॉर्ट बीएसआर और लॉन्ग बीएसआर। शॉर्ट बीएसआर में क्या होता है, अब ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये शॉर्ट बीएसआर का है, ये इसका ऑक्टेट वन है। अब लॉन्ग बीएसआर में कई सारे ऑक्टेट हो सकते हैं, ऑक्टेट 1, 2, 3। अब इसके अंदर बफर साइज होता है और एलसीजी आईडी होती है, लॉजिकल चैनल ग्रुप आईडी, ये इसके अंदर सिंगल होती है जो शॉर्ट बीएसआर होता है। यू कैन इन्फॉर्म द अमाउंट ऑफ डेटा इन अपलिंक बफर ओनली फॉर वन स्पेसिफिक लॉजिकल चैनल ग्रुप। कोई एक लॉजिकल चैनल ग्रुप को शॉर्ट बीएसआर के अंदर आपको इंडिकेट किया जाएगा। और इसके अंदर जो एलसीजी आईडी होती है वो शुरू में लगी होती है, जब भी ये डेटा जाएगा उसमें शुरू में एलसीजी आईडी लगी होगी शॉर्ट बीएसआर के अंदर। लेकिन लॉन्ग बीएसआर में क्या होता है, यूई कैन इन्फॉर्म द अपलिंक बफर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एलसीजी। अब इसके अंदर तो खाली स्पेसिफिक एलसीजी एक ग्रुप के लिए, जो लॉजिकल चैनल ग्रुप होता है, जो कि हमारा चैनल, अगर आपको चैनल पता नहीं है तो आप मेरा चैनल वाला वीडियोस देख सकते हैं, लॉजिकल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल, फिजिकल चैनल, ये हमारे चैनल्स होते हैं एलटी के अंदर। तो उन जो लॉजिकल चैनल होते हैं उनके अंदर ग्रुप्स होते हैं कुछ, तो ये खाली एक स्पेसिफिक लॉजिकल चैनल ग्रुप के लिए होता है शॉर्ट बीएसआर। लेकिन जो लॉन्ग बीएसआर होता है उसके अंदर बहुत सारे एलसीजी आईडी फील्ड होते हैं, दैट्स व्हाई यू डोंट सी एनी स्पेसिफिक एलसीजी आईडी फील्ड इन लॉन्ग बीएसआर। शॉर्ट बीएसआर में आपको एलसीजी आईडी लिखी हुई दिख जाती है क्योंकि वो सिंगल के लिए होती है, लेकिन लॉन्ग बीएसआर के लिए आपको इसमें कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए क्योंकि ये मल्टीपल बहुत सारी एलसीजी आईडी के लिए भेजी जाती है, तो इसीलिए जो ये बफर साइज 0, बफर साइज 1, 2,
ये सारे जो हैं ये एक एलसीजी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए बफर साइज जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है एलसीजी जीरो को, तो इसमें चार बफर साइज हैं और चार एलसीजी जीरो वन टू थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग मैप हो रहे हैं, जबकि शॉर्ट बीएसआर में खाली सिंगल लॉजिकल चैनल ग्रुप को दिखाया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है, आप जाके इसे रेफर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इसके ऊपर। अब देखिए कुछ बीएसआर के अंदर लेवल्स डिफाइन किए गए हैं। अब इसमें 0 से लेकर 63 इंडेक्स तक का इन्होंने दिया हुआ है। अब जब आपका इंडेक्स 0 होता है तो बीएस इसमें 0 होता है। बीएस मतलब जो बफर साइज है वो 0 है, कुछ भी डेटा नहीं है यूई को सेंड करने के लिए। तो बीएसआर इंडेक्स 0 मींस आई हैव नो डेटा टू ट्रांसमिट, एज द नंबर गेट्स लार्जर इट मींस यूई हैज मोर डेटा टू ट्रांसमिट। जैसे जैसे आप देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है, ये 10 बाइट्स 12 बाइट्स ये सारी बाइट्स बढ़ती जा रही हैं, तो जितनी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी आप उतना डेटा भेज पाएंगे, जितनी कम होगी आप उतना कम डेटा भेज पाएंगे बीएसआर के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसआर समझना, बफर स्टेटस रिपोर्ट जो एलटी के अंदर बहुत यूज होती है। अब देखिए जो बीएसआर है उसके टाइमिंग भी अलग अलग है, मतलब किस टाइम पे आपको बीएसआर रिपोर्ट सेंड करनी है। तो एक रेगुलर बीएसआर होता है, एक पीरियोडिक बीएसआर होता है, एक पैडिंग बीएसआर होता है। तो तीन तरह की टाइमिंग इसके अंदर आप बीएसआर में लगा सकते हैं, रेगुलर इंटरवल पे, पीरियोडिक पे और पैडिंग पे। पीछे जो हमने डिस्कस किया था वो टाइप्स थे कि कितने टाइप के बीएसआर होते हैं, लेकिन ये जो है ये कितने टाइप की टाइमिंग हो सकती है बीएसआर को सेंड करने के लिए। तो रेगुलर बीएसआर इज सेंड व्हेन अ न्यू डेटा अराइव्स इन अपलिंक बफर एंड द न्यू डेटा इज हायर प्रायोरिटी देन वन ऑलरेडी वेटिंग इन द बफर। रेगुलर में ये होता है जो भी प्रायोरिटी का डेटा आ जाएगा पहले उसको भेजा जाएगा, तो ये रेगुलर बीएसआर में। पीरियोडिक में क्या होता है, पीरियोडिक बीएसआर इज सेंड विद अ प्री डिफाइंड पीरियोडिसिटी। उसमें ये होता है कि इतने में ही हमको भेजना है, पहले से डिफाइंड होता है उसके अंदर टाइमिंग। तो जो ये पीरियोडिसिटी होती है ये नेटवर्क डिफाइन करता है और गेट इन्फॉर्म टू यू बाय आरआरसी मैसेज, एक आरआरसी के मैसेज के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि पीरियोडिक बीएसआर आपको कब भेजना है। पैडिंग बीएसआर क्या होता है, पैडिंग बीएसआर इज सेंड व्हेन द नंबर ऑफ पैडिंग बिट्स इन ए डेटा मैसेज इज लार्जर देन द बीएसआर सो दैट द पैडिंग बिट स्पेस कैन बी यूज टू सेंड बीएसआर। तो ये तीन तरह के बीएसआर की टाइमिंग्स हैं जिसको आप बीएसआर सेंड कर सकते हैं, रेगुलर, पीरियोडिक एंड पैडिंग। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियो बनाने का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LTE DCI डाउनलिंक कंट्रोल इंडिकेटर। काफी लोगों की क्वेरीज आई थी कि DCI के ऊपर वीडियो बनाइए, तो इस टॉपिक को मैंने लिया है आज के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि DCI होता क्या है, कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, अपलिंक डाउनलिंक के अंदर क्या क्या यूज होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए LTE DCI इट कैरीज दोज डिटेल इंफॉर्मेशन लाइक विच रिसोर्स ब्लॉक कैरीज योर डेटा। अब देखिए एक यूई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पता हो कि उसका डेटा कौन से रिसोर्स ब्लॉक के अंदर आ रहा है। तो ये DCI की हेल्प से ही यूई को पता चलता है कि उसका डेटा कहाँ है। वॉट काइंड ऑफ डी मॉड्यूलेशन स्कीम यू हैव टू यूज टू डिकोड डेटा। अब आपको मॉड्यूलेशन स्कीम, सपोज कोई नेटवर्क यूज कर रहा है, अब आपको उसको डी मॉड्यूलेट करना है अपने डेटा को डिकोड करने के लिए, तो आपको कौन सी स्कीम यूज करनी होगी ये भी DCI के अंदर ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। DCI फॉर्मेट इज नथिंग बट ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट इन विच द डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज पैक्ड फॉर्म्ड एंड ट्रांसमिटेड इन PDCCH फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल। इस चैनल के अंदर आपको DCI की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए PDCCH। अब देखिए जब आप डिकोड कर लेते हैं DCI को, तो ये समझ लीजिए आपने जो डेटा है उसको भी डिकोड कर लिया। अगर आप DCI समझ गए कि कौन सा DCI आपको यूज करना है यूई को, तो वो सारा डेटा डिकोड आसानी से हो जाएगा। विदाउट DCI अगर आपको DCI नहीं पता चल पाया तो डिकोडिंग द डेटा डिलीवर टू यू इज इम्पॉसिबल, आप कभी भी उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे और आपको डेटा कभी भी पता नहीं चल पाएगा। तो DCI की इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए देयर आर सेवरल डिफरेंट DCI फॉर्मेट्स,
each of which has different set of information that they carry. अब बहुत सारे formats define करे गए हैं LTE के अंदर और उनके अंदर अलग अलग information carry होती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए क्या क्या formats हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसके अंदर हम बताएंगे क्या क्या फॉर्मेट्स हैं। अब देखिए डीसीआई के अंदर दो तरह से ये डिवाइड किया गया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, डाउनलिंक डीसीआई फॉर्मेट और अपलिंक डीसीआई फॉर्मेट। फॉर्मेट 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A ये सारे डाउनलिंक के डीसीआई फॉर्मेट है, ये डाउनलिंक में यूज होते हैं। अब इधर है राइट साइड पे अपलिंक डीसीआई फॉर्मेट्स, ये अपलिंक में यूज होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इंफॉर्मेशन डाउनलिंक में कौन कौन से डीसीआई यूज हो रहे हैं, तो क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, अपलिंक में कौन से डीसीआई फॉर्मेट यूज हो रहे हैं, तो कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, फॉर्मेट 0, 3 और 3A, और इधर फॉर्मेट 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2 एंड 2D। तो ये इसका दो टाइप्स के आपको डीसीआई मिल गए, डाउनलिंक का और एक अपलिंक का, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको पता चल गए। तो एक ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, लॉक्स में दिख जाता है कि कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा डीसीआई जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में ओपन करते हैं। अब देखिए ये डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन आपको होता है डाउनलिंक के लिए और अपलिंक के लिए। अब जब ये डाउनलिंक स्केड्यूलिंग होती है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा समझिए क्या, इसके अंदर तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है रिसोर्स एलोकेशन को, टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2, और अपलिंक स्केड्यूलिंग में कोई ऐसे टाइप्स नहीं है। राइट साइड में इधर हमारे डीसीआई फॉर्मेट्स हैं, तो रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप बेस्ड जो टाइप 0 है उसके अंदर अब आरबीजी बेस्ड होगा, आरबीजी बेस्ड माइमो क्लोज लूप और माइमो ओपन लूप। अब अगर आप माइमो यूज कर रहे हैं क्लोज लूप या ओपन लूप, तो इसी तरह से आपको टाइप 0 इसके अंदर एलोकेट होएगा। तो इसके अंदर 1, 2 और 2A ये तीन डीसीआई फॉर्मेट यूज होते हैं। तो आपको ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि तीन टाइप के रिसोर्स एलोकेशन हो सकते हैं डाउनलिंक स्केड्यूलिंग के अंदर और अपलिंक स्केड्यूलिंग के अंदर, कोई ऐसा डिफाइंड नहीं है। अब टाइप 1 के अंदर सिलेक्टेड आरबीजी सबसेट बेस्ड सिलेक्ट, इसमें कुछ सिलेक्टेड रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप हम यूज करते हैं, फिर सिलेक्टेड रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप सबसेट के अंदर फिर माइमो क्लोज लूप एंड माइमो ओपन लूप, बट ये थोड़ा सिलेक्टेड आरबीजी सबसेट के लिए है। अब तीसरा है इसमें टाइप 2 वीआरबी बेस्ड कॉम्पैक्ट स्केड्यूलिंग, वीआरबी है वर्चुअल रिसोर्स ब्लॉक बेस्ड कॉम्पैक्ट स्केड्यूलिंग प्लस रैंडम एक्सेस के लिए, वीआरबी बेस्ड कॉम्पैक्ट स्केड्यूलिंग विद माइमो, वीआरबी बेस्ड वेरी कॉम्पैक्ट स्केड्यूलिंग और वीआरबी बेस्ड कॉम्पैक्ट स्केड्यूलिंग विद माइमो एंड पावर ऑफसेट। तो ये सारे फॉर्मेट्स जिस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है डाउनलिंक में, आपको पता चल जाएगा उसके हिसाब से ही कि कौन सा डीसीआई आपको एलोकेट किया गया है नेटवर्क साइड से। और अपलिंक में जब आप कर रहे हो तो वीआरबी बेस्ड ऑन अपलिंक स्केड्यूलिंग वर्चुअल रिसोर्स ब्लॉक, तो उसका यहाँ डीसीआई फॉर्मेट है 0। तो ये डायग्राम था जिसमें आपको पता चला कि डीसीआई फॉर्मेट कौन सा कब यूज होएगा। अगर 1 यूज हो रहा है तो रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप बेस्ड होगा, 2 हो रहा है तो माइमो क्लोज लूप आरबीजी बेस्ड, 2A हो रहा है तो आरबीजी बेस्ड, फिर ये टाइप 0 का है, फिर ऐसे टाइप 1 का सिलेक्टेड रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप सबसेट यूज होएगा इसके अंदर, टाइप 2 में वीआरबी बेस्ड। तो इस तरह से ये फॉर्मेट्स यूज होते हैं, तो ये जो नेटवर्क यूज करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा टॉपिक है वो है LTE RSRP। आपने देखा होगा ये बहुत जगह पूछा जाता है कि RSRP क्या होता है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको एक थोड़ा सा ये छोटा सा डायग्राम बता देता हूँ। आपके मोबाइल फोन के अंदर आपने देखा होगा बार्स आती हैं, तो जब आपका सिग्नल खराब होता है तो बार कम होती जाती है, और आपका जब सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है तो बार बहुत ज्यादा आ रही होती है आपके फोन में। तो वो जो आती है वो RSRP के बेस पे ही आती है। तो अगर आपकी बार कम आ रही है तो समझ जाना कि RSRP खराब है, और अगर आपकी बार बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है तो समझ जाना RSRP बहुत अच्छी है। RSRP होता है रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि RSRP होता क्या है।
आरएसआरपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दिया, रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर। आरएसआरपी यूज टू मेजर द कवरेज ऑफ द एलटी सेल ऑन द डाउनलिंक। अब देखिए आरएसआरपी से आपको कवरेज पता चलती है। कभी भी आप नोट करना, जब आप टावर के पास में खड़े होंगे, ई नोड बी के पास में खड़े होंगे, तो आपको अच्छी कवरेज मिल रही होगी, तो और आपका आरएसआरपी बहुत अच्छा आपको आ रहा होगा। लेकिन आप जैसे जैसे टावर से दूर जाते जाएंगे, आपका आरएसआरपी खराब होता जाएगा और आपकी कवरेज थोड़ी सी कम होती जाएगी, आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। तो एक ये होता है आरएसआरपी कवरेज से आप इसको पता कर सकते हैं। दूसरा, जो यूई विल सेंड आरआरसी मेजरमेंट रिपोर्ट्स दैट इंक्लूड आरएसआरपी वैल्यूज। अब जब यूई मेजरमेंट रिपोर्ट भेजता है आरआरसी लेयर के थ्रू, उसके अंदर भी आपको आरएसआरपी वैल्यूज मिल जाती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि इस समय मेरे को कितनी अच्छी कवरेज मिल रही है या उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, अच्छी है या बुरी है। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम यू हैज टू मेजर फॉर सेल सिलेक्शन, री सिलेक्शन एंड हैंड ओवर। अगर आपके डिवाइस को सेल सिलेक्ट करनी है, री सिलेक्ट करनी है या हैंड ओवर करनी है, तो उसको आरएसआरपी का मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे उसे पता चलता है कि जिस सेल पे वो सिलेक्ट करना चाह रहा है, री सिलेक्ट करना चाह रहा है, हैंड ओवर करना चाह रहा है, वो सेल कैसी है। आरएसआरपी इज द एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ऑफ द रेफरेंस रेडियो सिग्नल्स। ये जो हमारे उसको स्ट्रेंथ को बताता है रेफरेंस रेडियो सिग्नल्स की। अब इसकी कुछ रेंज होती है आरएसआरपी की, -40 से लेकर -44 dBm। -40 मतलब बहुत खराब होती है और -44 मतलब सबसे अच्छी होती है। द मेन पर्पस ऑफ आरएसआरपी इज टू डिटरमाइन बेस्ट सेल ऑन द डाउनलिंक रेडियो इंटरफेस। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी बेस्ट सेल कौन सी है। अब देखिए मैंने इसके अंदर दो डायग्राम लगाए हैं आज, मतलब जब आप आरएसआरपी पढ़ोगे तो उसके साथ आरएसआरक्यू और साइन आर भी जोड़ लेते हैं। तो आरएसआरक्यू होता है रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड क्वालिटी और सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइस रेशो। ये जस्ट मैं आपको इसमें मैं इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आरएसआरक्यू और साइन आर को, जस्ट इनसे मैं आपको कंपेरिजन दिखा रहा हूँ उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे आरएफ कंडीशन एक्सीलेंट है, गुड है, मिड रेंज, मिड सेल है, सेल एज। मतलब आप जब यूजर सेल की एज पे चला जाएगा तो वहां पे आरएसआरपी आप देख रहे हो बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्वालिटी भी खराब हो जाएगी और सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो लेस देन इक्वल टू जीरो अगर आप बिल्कुल सेल एज पे चले जाओगे। अगर आप मिड सेल के आसपास खड़े हो तो -90 और -100 आपका आरएसआरपी आएगा, -15 to -20 आरएसआरपी और 0 to 13। तो ये चार इसमें कंडीशन, मतलब चार इसके डिवाइड किया गया है कि एक्सीलेंट कब है, गुड कब है, मिड सेल और सेल एज। तो इन तीनों को अगर आप ये टेबल अगर आप याद कर लेंगे तो ये भी आपको काफी हेल्प कर सकती है। जब आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर रहे हैं आरएसआरपी कंसेप्ट, तो आप इसकी वैल्यूज के थ्रू से बता सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू इस रेंज में आ रही है तो कैसी कवरेज होगी, एक्सीलेंट होगी, गुड होगी या बैड होगी। तो ये आप कंपेरिजन कर सकते हैं इन तीनों के बीच में। तो आरएसआरक्यू की भी वैल्यू होती है और ऐसी साइन आर की। अब देखिए ये जो 3GPP के अंदर कुछ आरएसआरपी को इन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं कि आरएसआरपी रिपोर्ट कैसे होता है और उसकी यूनिट जो है वो डीबीएम है। तो आरएसआरपी जो है 00 से लेकर 97 तक इसकी वैल्यूज होती हैं। और ये जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि इसकी -40 से लेकर -44 dBm। तो आप यहाँ देखिए जब आरएसआरपी 97 होगा तब ये -44 रिपोर्ट करेगा और जब आरएसआरपी 0 होगा तो ये आरएसआरपी लेस देन -40। तो इस तरह से इसकी रेंज दी हुई है। तो रिपोर्टेड ये वैल्यू रिपोर्ट की जाती है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि जो आरएसआरपी की वैल्यू है, क्वालिटी वैल्यू है मेजर्ड, वो क्या आ रही है। अब एक चीज और भी है, आपने अगर आप नोट करोगे, अगर आपके डिवाइस में आरएसआरपी अच्छा आ रहा है तो आप समझ जाना आपका QoS भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो इससे भी आप थ्रूपुट को भी मैप कर सकते हैं आरएसआरपी से। तो कुछ लोग ग्राफ्स देखते हैं आरएसआरपी के, डिफरेंट टूल्स होते हैं जैसे सिमुलेटर टूल्स हो गया या यूई के जो टूल्स होते हैं डिफरेंट चिपसेट के, मीडिया टेक, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, इंटेल, सबके टूलों पे आप आरएसआरपी को भी देख सकते हैं। तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि आरएसआरपी की वैल्यू कैसी आ रही है और उसके बेस पे यूजर प्लेन QoS को भी आप थ्रूपुट बोल सकते हैं कि थ्रूपुट कैसा आ रहा है।
तो अगर RSRP greater than -75 dBm है, मतलब excellent QoS आपको मिल रही है और throughput आपका बहुत अच्छा है। -75 से लेकर -95 के बीच में कुछ आपकी डिग्रेडेशन हो गई है, अब आपको उतनी अच्छी क्वालिटी थ्रूपुट की नहीं मिल रही, क्यूएस नहीं मिल रहा है। बिलो -95 समझ लीजिए आपको बहुत ही बेकार मिल रही है, और थ्रूपुट अगर जीरो तक भी पहुंच जाएगा, अगर आपकी -108 तक ये पहुंच जाती है, तो आरएसआरपी के बेस पे भी आपके थ्रूपुट डिपेंड कर सकते हैं, जिसको हम यूजर प्लेन क्यूएस भी बोल सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में आरएसआरपी को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें आपके मोबाइल ऐप पे भी और आपकी जीमेल पे भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।